हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। हेलो शालू जी, तो आज बहुत ही हेल्दी और इजी और टेस्टी रेसिपी लेके आ रही हूँ जिसे बड़े बच्चे सभी जो है पसंद करते हैं और बाजार के जो अनहेल्दी हम चीज़ें खाते हैं उससे आप बच सकते हैं और अमूल के सारे जो प्रोडक्ट हैं हम ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करेंगे, जितने भी नॉर्मल प्रोडक्ट हैं फेमस। तो जल्दी जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को जिससे और लोग भी ज्वाइन कर सकें। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी से। ओके शालू जी, थैंक यू। आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? कितने लोग हैं? कितने लोगों ने शेयर करा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना बंसल बिलासपुर यूपी से आपका स्वागत करती हूँ अमूल के पेज पर और मैं आप सबको आज एक बहुत ही हेल्दी जो रेसिपी सिखाना चाहती हूँ। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, घर में ही मिलने वाली चीज़ों से बनेगी लेकिन बहुत ही हेल्दी है और बच्चों की फेवरेट है। तो मैं इसका ऑर्डर भी ले चुकी हूँ तो कस्टमर को बहुत ही पसंद आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपने पहले मेरी वीडियोज़ देखी हैं और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है अंजनाज होममेड विद लव के नाम से, तो आप लोग प्लीज़ उसे जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना हेल्दी सैंडविच। तो बिना ब्रेड के जो है आज हम ये सैंडविच बना रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या बनाना है? बेसिक सी चीज़ें हैं बिल्कुल घर में बनने वाली। तो उसके लिए हमने ये एक कटोरी सूजी ली है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं और इसमें हाफ कटोरी ये दही डालेंगे हम। ये हाफ कटोरी हम दही ऐड करेंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे जिससे कि इसका घोल अच्छा सा बन जाए। तो हमें इसका एक सेमी थिक बैटर बनाना है क्योंकि सूजी बाद में भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट थिक जो है हमें इसका बैटर बनाना है। तो आप बच्चों के लिए ये बना सकते हैं, लंच में दे सकते हैं
और प्रिपरेशन आप पहले से करके रख सकते हैं, ये नहीं है आपको हैंड टू हैंड बनाना है। आपके घर में किट्टी है तब भी आप इसे सर्व कर सकते हैं गेस्ट को, तो सबको बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, वैसे हम फिलिंग वगैरह इसमें ऐड करेंगे तो सॉल्ट जो है आप थोड़ा कम ही रखिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। तो आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे और लोग भी ज्वाइन हो सके। तो अभी हमारा बैटर बन के तैयार है, तो हम इसे अब ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक हमारी जो स्टफिंग है, और हम एक होममेड मेयोनीज बना रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी मेयोनीज बना रहे हैं बिना किसी ऑयल के, बिना किसी चीज़ के। हेलो दिनेश जी, तो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है, क्योंकि जो बाज़ार वाली मेयोनीज होती है उसमें बहुत सारा ऑयल जाता है जो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती है, तो आप वो मेयोनीज बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम मेयोनीज बना लेते हैं। मेयोनीज बनाने के लिए क्या लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। हेलो वंदना जी, प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो मैंने ये काजू लिए हैं जिन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था, एक तरीके से हमें ब्लांच करना है। तो हाफ कटोरी मैंने ये काजू लिए हैं, वाटर हम इसका निकाल देंगे और ये काजू हम इसमें डाल देंगे। तो आप सबको पता है कि ड्राई फ्रूट्स बच्चों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, और उसके साथ ही बस एक चम्मच हम इसमें ये थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल स्मूथ हमें जो है ग्राइंड कर लेना है। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। टेक्सचर चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा दूध जो है और ऐड करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें और इसे चारों तरफ से ऐसे स्क्रैप कर लें जिससे कि बिल्कुल ये क्रीमी हो जाए, तो इस तरीके से। और फिर से हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी जो हमारी मेयोनीज बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, एक बार मैं फिर से इसे थोड़ा सा चला लेती हूँ जिससे कि जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो भी इसमें से निकल जाए। तो आप लोगों ने किसी ने इस तरीके के मेयोनीज बताई है तो मुझे बताइए प्लीज, या वो आप बाजार की ही मेयोनीज लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सिल्की जो हमारी मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। अभी ये आपको थोड़ी पतली लग रही होगी लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए ही पहले इसे बनाया है कि हम थोड़ी देर इसे फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें एक से दो चीज़ें और ऐड करनी है, वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ जिससे कि इसमें बाजार वाला जो है वो टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरीके से स्क्रैप कर लीजिए क्योंकि काजू है
कोई भी चीज हमें वेस्ट नहीं करनी है। तो ये देखिए इतनी जो है हमारी मेयोनीज बन के तैयार हो गई है। तो आप इसे 2 से 3 दिन रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रीमी जो है हमारी मेयोनीज बन के तैयार हुई है। अब इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के लिए। और थोड़ा सा हम इसमें आप विनीगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, बस 2 से 3 ड्रॉप। और ये हमारी होममेड मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक हम अपनी और प्रिपरेशन करेंगे ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी। अब हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे। तो अपने अपने कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। क्लियर है ना ऑडियो वीडियो सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो ये मैंने अब कढ़ाई रख दी है इस पे स्टफिंग बनाने के लिए। प्लीज आप अपनी अपनी सिटी का नाम बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अब हम इसमें ऑयल और बटर दोनों चीज़ ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आए। मैं वन बाई वन सारी जो है आपको चीज़ें बताती जाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें नोट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अगर नोट करना है तो आप करते जाइए। तो मैंने ये अमूल का बटर लिया है, तो ये हम डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून डालना है, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। तो थोड़ा सा हम इसमें बटर डालेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि बटर नहीं तो हमारा जल जाएगा। अब दोनों को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे हम, बटर को और ऑयल को। तो बटर का जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहें तो सिंपल ऑयल से भी बना सकते हैं। अब इसमें हमने ये अदरक ले रहे हैं, बारीक कटी हुई अदरक है ये, थैंक यू अंजू जी फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब पे भी जरूर विजिट कीजिए मेरे चैनल को, अंजनाज होममेड लव के नाम से है। अब ये इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, कम स्पाइसी बनाना है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि डालना ही है। आपको जो चीज़ पसंद है वो आप ज़्यादा डालिए, और जो कम पसंद है वो चीज़ आप कम डालिए। अब इसमें हम ये गाजर डालेंगे, बारीक काट के मैंने गाजर रख रखी है। और बच्चों को ये सब्जियाँ खिलाने का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये, जिसमें कि आप सारी सब्जियाँ इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ये शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, क्योंकि आपने बर्गर में देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा पीस होता है टमाटर वगैरह का, खीरे का, तो वो बच्चे आराम से नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप खिलाएंगे तो वो आराम से खा भी लेंगे, और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसके साथ ही मैंने ये मटर डाले हैं थोड़े से, और इनको थोड़ा सा हमें सौते करना है, जब तक ये सारी चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पकाना है, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बाइट लें तो थोड़ा सा क्रंचीनेस हमारे उसमें आनी चाहिए बाइट में।
तो आप लोगों को रेसिपी समझ आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और कैसी लग रही है रेसिपी ये भी बताइए, और कौन कौन मेरा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे ये भी बताइए, और अगर आपको नेक्स्ट कोई रेसिपी देखनी है तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं आपकी सारी जो है क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, आप लोगों को दिख रहा है सही से? मैं थोड़ा सा कैमरा क्लीन कर देती हूँ। तो ये देखिए सब्जियाँ कितनी कलरफुल लग रही हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि काम करते करते अगर आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो में, आप लोगों को अच्छी लग रही है, नहीं तो ये लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी। अब इसके साथ में हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद है या कम ज़्यादा। तो मैं थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से इनोवेशन कर सकते हैं, आप इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं तो इसे पाव भाजी वाला फ्लेवर दे सकते हैं, सांभर मसाला ऐड कर सकते हैं तो सांभर मसाले वाला जो है टेस्ट दे सकते हैं। अब इन्हें भून लेंगे। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये दो आलू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और इससे थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती है, आप इसकी जगह कच्चा केला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरीके से ऐसे हम मैशर से मैश कर लेंगे पोटैटो को, क्योंकि हमें इसकी फिलिंग बनानी है अपने बर्गर में, तो इसलिए थोड़े ये सॉफ्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से हम मैशर से इसे मैश कर लेंगे। प्लीज़ बताइए कैसी लग रही है रेसिपी। हेलो नवेश जी, इसमें एक चीज और डालनी रह गई है जो कि इसको और ज्यादा जो है हेल्दी बना देगी, तो अब वो मैं सब चीजें ऐड करने के बाद फिर लास्ट में वो ऐड करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये पनीर डालेंगे, ढेर सारा अमूल का पनीर है, ये पनीर हमने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि इसकी बाइट आनी चाहिए जब हम खाएं। तो आप चाहें तो इसे भी ग्रेट करके मैश करके डाल सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है तो, और फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से, और थोड़ा सा नींबू का रस, आप चाहें तो अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, हेल्दी हेल्दी स्टफिंग है, आप किसी भी चीज़ में सैंडविच में किसी भी चीज़ में इसे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए अब इसे एक साइड में हम रख देते हैं कि ये ठंडी हो जाए थोड़ी सी, फिर हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है आपको रेसिपी। प्लीज कमेंट करते रहिए आप लोग। थैंक यू शालू जी, आप लोगों ने शेयर कर दिया है वीडियो को।
लाइव में दिखाने के लिए मैंने एक बैटर पहले से बना के ये रख रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए इस तरीके का बैटर होना चाहिए फाइनल जो हमारा बनेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा इनो बॉर्डर डालेंगे। एक तरफ मैंने कढ़ाई को रख दिया है जिसमें मैं केक बनाती हूँ, वो आपको पता लग जाएगा अभी जब मैं आपको इडली दिखाऊंगी। और ये मेरे पास इडली स्टैंड है, इसे मैंने अच्छी तरीके से ऑयल से जो है ग्रीस कर लिया है। इस तरीके से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से इसे। और इन सब चीज़ों को आप पहले से बना के रख सकते हैं, पहले से आप इडली बना के रख सकते हैं। ये हाफ टी स्पून इसमें मैं इनो डाल रही हूँ, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने वाला सोडा भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये स्टेप आप तभी करिए जब आपकी जो है स्टीमर तैयार हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तभी आप ये वाला स्टेप कीजिए। और इसके लिए कटिंग करने के लिए इडली थोड़ी जो है हमें बड़ी चाहिए, बड़े साइज़ की, क्योंकि हमें इसका सैंडविच बनाना है। तो मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो आप ये प्रोसेस कटोरी में भी कर सकते हैं, कढ़ाई या भगोने में कोई भी जाली रखकर फिर आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने पहले से भी थोड़ी सी बना के रखी है क्योंकि लाइव है तो इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं होगा सब कुछ, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। तब ये इसे इस तरीके से करके अब हम इसे स्टीमर में रख देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से रखना है स्टीमर में। दिख रही है आपको कढ़ाई? तब ये इसमें पानी उबल रहा है अच्छे तरीके से, अब इसमें हम ये रख देंगे। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से ये रख दिया है, अब इसे हम ढक देंगे और 5 से 7 मिनट बाद हम इसे देखेंगे कि ये तैयार हो गई है या नहीं हो गई है। तो मैंने एक बैच आपके लिए बना के रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये एक बैच बना के रखा है। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इस तरीके से आप जब स्पून से इसे करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगी। गरम गरम में आप ना निकालें, नहीं तो ये है इडली आपकी परफेक्ट नहीं निकलेगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी इडली बनी है, कितनी परफेक्ट जाली है इसमें और बिल्कुल सॉफ्ट जो है हमारी इडली बनी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ फिर आपको आगे का प्रोसेस समझाती हूँ। तो बताइए आप लोगों ने कभी खाया है इस टाइप का सैंडविच, बर्गर खाया है कभी या नहीं? तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मैं भी आपको वो बैटर भी दिखाऊंगी जो हमने अभी बनाया है वो किस तरीके का हो गया है। ये देखिए सारी इडली जो है परफेक्ट बनी है बिल्कुल। आप चाहें तो कटोरी में भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो। तो ये देखिए चारों इडली हमारी बनकर तैयार है। स्टफिंग को भी मैंने रख दिया है, मैं अपनी मेयोनीज भी ले आती हूँ फिर उसके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, अभी प्रोसेस बहुत ज्यादा बाकी है। तो अब इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। मेयोनीज देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी, अब इसे दो पोर्शन में हम डिवाइड कर लेंगे मेयोनीज को। अब एक में हम घर की बनी हुई है चटनी डालेंगे जो कि धनिया पुदीने की हम घर में बनाते हैं चटनी, वो हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। और एक में हम डालेंगे अपना टमाटो सॉस। अब इन्हें मिक्स कर देंगे तो हमारी ये हेल्दी मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। देखिए दोनों तरीके की।
ये दोनों तरीके की हमारी मेयोनीज बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स और ओरिगानो ऐड कर देते हैं, जिससे कि और अच्छा सा जो है टेस्ट आएगा इसमें। और मैंने बताया ही, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और थोड़ा सा ओरिगानो डाल देंगे हम इसमें। तो ये देखिए, इस तरीके से ये दोनों हमारी सॉसेस बनकर तैयार हो गई, ये देखिए। और हेल्दी भी हैं, हमने घर में बनाई है बिना ऑयल के, बिना रिफाइंड ऑयल के, बिना दूध के, बिना घी के, तो हमें पता है कि किस तरीके से ये हमने बनाई है। तो ये देखिए, ये अब इसको हम सेंटर में से इस तरीके से कट करेंगे। अगर ये ज़्यादा गर्म होगी तो कटिंग करते वक्त टूट जाएगी, तो आप ये दोनों प्रिपरेशन जो है पहले से करके रख सकते हैं, फिर जब आपके गेस्ट आए तो आप इसे असेंबल करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, अंदर से जाली देखिए कितनी परफेक्ट आई है। अब एक पोर्शन पे हमें ये ग्रीन वाली चटनी लगानी है, मेयोनीज इस तरीके से, और एक पे हमें ये सॉस वाली, देखिए इस तरीके से। अभी हमें एक प्रोसेस और करना है इसका, तो अभी आप लोग मत छोड़ के जाइएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। अब इसमें ढेर सारी हम स्टफिंग भर देंगे इस तरीके से, और एक के ऊपर एक इसे ऐसे असेंबल कर देंगे। अभी थोड़ा गर्म है स्टफिंग, इसलिए थोड़ी हैंडल करने में दिक्कत होगी, ये देखिए इस तरीके से। अभी मैं चारों ये बना लेती हूँ, फिर इसमें एक स्टेप और है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है आगे इससे। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को भी पता रहे, और नेक्स्ट रेसिपी भी बताइए कि क्या लेके आनी है। अगला लाइव जब भी होगा मैं वो रेसिपी लेके आऊँगी। तो इसी तरीके से हम चारों को तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी क्रीमी जो हमारी मेयोनीज है, और हेल्दी भी है। तो आपको दिखाया है मैंने लाइव में ही बिल्कुल बना के कि किस तरीके से बनाना है। जब ये स्टफिंग ठंडी हो जाए तो आप इसकी इडली के साइज की ही बॉल्स बना के रख लीजिए, और फिर उसे इस तरीके से असेंबल कर दीजिए, ये देखिए। तो मैं चारों को ऐसे ही करती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं, बात करते रहिए, मन लगा रहता है। किसी और रेसिपी के बारे में आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है आपको, किसी भी डिश में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं मुझे। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन करा है आज, इतनी अच्छी मैं रेसिपी लेके आई हूँ। आप लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, कभी भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और मेरे कस्टमर्स को तो बहुत ही अच्छी लगी है जिनके लिए मैंने ये भेजी थी। तो आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा और मुझे टैग करिएगा कि आपको ये कैसी लगी है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, आप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं। और आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये सारी प्रिपरेशन आप रात को करके रख लीजिए, और सुबह सुबह बस आपको इसे रोस्ट करना रह जाएगा, वो करके आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये चारों इस तरीके से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस क्या करना है। मैंने ये एक ग्रिल पैन लिया है, इस पे हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे,
आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल पैन भी ले सकते हैं। अब इस पे हम अपनी थोड़ा सा हम इस पे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम इस पे हरा धनिया इस तरीके से ऐड करेंगे और इस पे हम अपनी ये इडलियाँ इस तरीके से रोस्ट करेंगे। दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा बटर हम दूसरी साइड में भी ऐड कर देते हैं। तो बस इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम इसे सेक लेंगे अच्छी तरीके से दोनों साइड से। आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं, प्लीज कमेंट करते रहिए। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। किसी को रेसिपी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया तो बताइए। ये देखिए कितना अच्छा जो है इसका कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गई है। दिख रहा है आपको, और ये वाली इडली भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से फूलकर ये तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए ये इडली भी हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से फूलकर। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को और इसे थोड़ी सी हम ठंडी होने देंगे, फिर आपको दिखाती हूँ निकाल कर इसे। तो ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से जो है सिक जाएगी तो ये क्रिस्पी करारी जो है हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने बारीक वाली जो सेव आती है ये देखिए दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो गई है। इस पे इस तरीके से इसे कोट कर लेंगे। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसी आपको पसंद है। तो ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आएगा कुछ। तो मैं सबको ऐसे कर लेती हूँ इसमें रोल। और अभी जो हमारी इडली बनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो भी बनकर तैयार हुई है। और ये जो हमने घोल बनाया था मिक्सचर जो हमने पहले बनाकर रखा था अभी हमने लाइव में बनाया वो देखिए इस तरीके से ये घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे भी हम एक दो चम्मच जो है इसमें वाटर डाल के बिल्कुल ये परफेक्ट हमारा घोल बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मैं आपको इडली भी निकाल कर दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से चम्मच से आपको हल्का सा इसे पहले साइड्स को रिमूव करना है और नीचे की साइड से ऐसे स्पून को घुमाते हुए
अब ये हल्के से गरम है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप परफेक्ट जो है बना सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा कट करके फिर आपको अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं, तो बताइए कैसी लग रही है रेसिपी, जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो ये मैंने एक प्लेटर लिया है, इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं उसे सॉल्व करूंगी, और नहीं है और नेक्स्ट बताइए वीडियो में क्या आपको देखना है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सर्व करा है टमाटो सॉस के साथ और चटनी के साथ। तो आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट करके कि कैसी लग रही है आपको रेसिपी, अच्छी लग रही है या नहीं। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो चलिए मुझे लगता है कि किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है, सब लोगों ने स्किप कर दी है वीडियो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अंजनाज होममेड विद लव के नाम से है यूट्यूब पे, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए हेल्दी बर्गर सैंडविच जो हमने बनाया है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे घर पर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड ज्वाइनिंग के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमूल के साथ, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए। और अगर केक्स वगैरह की आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, न्यू ट्रेंडिंग केक्स की आती है, और अगर आप नियर बाई हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं केक के ऑर्डर्स भी लेती हूँ तो आप लोग ले सकते हैं, और क्लासेस भी, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर ट्राई करें तो मुझे ज़रूर टैग करें। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, और आप सब ज़रूर अगली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और मुझे ज़रूर आप जो है यूट्यूब पे जो आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।